नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं आपका दोस्त शशांक। एक बार फिर से मेरे चैनल टैगुरु जी पे आप सभी का स्वागत है। एक ऐसी सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के छोटे से जिले रामपुर की है। कहा जाता है हमारे पूरे भारत में देवी देवताओं की काफी मान्यता है और इसके साथ कहीं ना कहीं साधु संतों की भी अपनी एक अलग आस्था जुड़ी हुई है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। एक ऐसी ही घटना रामपुर उत्तर प्रदेश में आज से करीब 40 साल पहले रामपुर में घटी। एक पताल मुनि नाम के बाबा हुआ करते थे जो कि ईश्वर की भक्ति में काफी लीन रहा करते थे और काफी भक्त हुआ करते थे उन बाबा जी के। ऐसे कहा गया है कि एक बार कोसी नदी के तट पर सावन के माह में काफी भारी मात्रा में भंडारा चल रहा था, जिसकी उम्मीद उन कार्यकर्ताओं को नहीं थी कि इतनी भारी मात्रा में श्रद्धालु आएंगे। अचानक से वहाँ पे तेल खत्म हो जाता है और लोग जो होते हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं। जो कमेटी के लोग होते हैं जो ये भंडारा करा रहे होते हैं वो काफी परेशान हो जाते हैं, उनकी समझ में नहीं आता कि वो क्या करें। लेकिन पास में ही घाट पर बाबा जी अपनी भक्ति में लीन थे तो वहाँ वो लोग जाते हैं उन बाबा जी के पास में और अपनी बात रखते हैं। लेकिन बाबा जी समझ जाते हैं, बाबा जी उनसे कुछ नहीं कहते और जाके ये बोलते हैं कि कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, भंडारा नहीं रुकेगा, आप लोग जाओ। और जाने के बाद जो कोसी नदी में गंगा जी बह रही हैं इसमें से कनस्तर भर के जल आप निकाल लो और वो कढ़ाई में डलवा दो, उसके बाद में जितना जल आप इसमें से आप अपने इस्तेमाल में लोगे उतना ही कनस्तर बाद में इस गंगा जी में आप सहरा देना। वो लोग ऐसे ही करते हैं और जाने के बाद में पूड़ियाँ तलना शुरू होती हैं और श्रद्धालु आते हैं और खा के चले जाते हैं और बाद में जितना भी बचा हुआ तेल होता है वो लोग लाकर उस कोसी नदी तट के जल में डाल देते हैं। इस तरीके से भंडारा पूर्ण होता है। आज भी बाबा जी को बहुत दूर दूर तक जाना जाता है और वहाँ एक जोगी राम का मंदिर है, उस मंदिर में बाबा जी की मूर्ति को स्थापना करवा दी गई है क्योंकि ऐसा कहा जाता है बाबा जी ने उसी जगह पे, उसी मंदिर की जगह पे बाबा जी ने समाधि ली थी। तो कमेंट बॉक्स में आकर बताइए आपको पताल मुनि बाबा की ये कहानी, सच्ची कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।